barbarian. प्रिंसेस है एक चिम्प। माता पिता राजा रानी नाम देश का उद्रगोत शैतानों से लड़ने निकले और कैंडी है अब बॉस। टैंगोर कैंडी बिल्कुल नकारा है पर हम भी क्या करें, नहीं और कोई चारा है। बारबेरियन एक बार की बात है, डेव द बारबेरियन दुनिया के सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स के पास पहुंचा एक बहुत ही कठिन सवाल लेकर। कनौले से मिलता शब्द क्या होगा? अगर मैं अक्लमंद होती तो तुम्हारे जैसे ना समझ के साथ काम क्यों करती? अरे मेरी मदद करो, मेरा नया गाना पूरा ही होने वाला है। ओ पेस्ट्री, ये एक आदमी के खाने के दिखावेपन की दुख भरी कहानी है। शब्द तो मेरे पास बहुत है लेकिन उन्हें बोलने में माइक पर आवाज फट जाएगी। प्लीज अंकल ऑस्विज, मुझसे इतने सारे कागजों पर साइन मत कराइए। राजकुमारी को करने पर। मुझे ऐसा ना समझ राजा नहीं बनना जो इस तरह के नियम बनाता हो। मुझे तो अपनी ना समझ सहेलियों के साथ घूमना है। कैंडी, मम्मी पापा ने उद्रगोत का राज तुम्हें सौंपा था। कठिन तो जरूर है लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहना बहुत आसान है तो ये बोरिंग काम तुम्हें क्यों नहीं दिया? नहीं, अगर मुझे देते तो मैं ये भार शान मान और सम्मान के साथ उठाता, सिंहासन वाले कमरे की सजावट ही बदल देता। ठीक है। बालों का हैट। कुछ दिन के लिए तुम राजा बनो, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। छुट्टी मनाने का वक्त नहीं है, चकल से सिली पिगी का हमला करने का प्लान है। अफवाह है। ऐसा नहीं है, उसने चिट्ठी भेजी है। उद्रगोत प्यारे देश, मैं जल्दी हमला करूंगा। प्यार द डार्क लॉर्ड चकल से सिली पिगी। PS, शायद आपको फ्रूट केक पसंद आया होगा। उसने फ्रूट केक भेजा था? अरे दुश्मन, ये अब राजा डेव की समस्या है। मैं राजा हूँ? पूरी तरह से नहीं। जब तक बोलने वाले सिंहासन पर नहीं बैठते तब तक नहीं। अब सारा दिन ये नाक मेरी नाक में दम कर देगा। ओ, आराम दिया है। अपना नाम बताइए। डेव। ताकतवर राजा की जय हो। डेव। उसका आदेश कानून है। कृपया अपने हाथ पर सिंहासन के अंदर रखिए। अब तुम राजा हो, कोई और इस सिंहासन पर नहीं बैठता तब तक। मतलब मैं अब नियम बना सकता हूँ? मैं सबसे अच्छे नियम बनाऊंगा, सब मुझसे प्यार करेंगे। हाँ, प्यार करेंगे। सुनो सुनो सुनो, राजा डेव घोषणा करते हैं कि फ्राइडे को तफरी वाले कपड़े पहने जाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगले फ्राइडे को मैं स्पोर्ट्स शूज पहनूंगा। देखा, वो मुझे चाहते हैं। भाई वाह। हाँ, मुझे लगा था मैं कभी ये शर्ट पहन नहीं पाऊंगा। अब इससे अच्छा क्या कानून बनाऊं? अब और क्या बनेगा? अब से हर शनिवार उद्रगोत हिम्मत दिवस मनाया जाएगा। सभी लोग राष्ट्रीय रंग पहनेंगे। लाल थोड़ा गहरा लाल, दूसरा लाल मतलब थोड़ा ज्यादा गुलाबी, नहीं पहले वाले से थोड़ा ज्यादा गहरा। आपने लिख लिया ना? मैं खुद लिखता हूँ। दूसरा लाल का मतलब ये है कि थोड़ा सा ज्यादा गुलाबी। ये है राजा डेव की घोषणा। उद्रगोत हिम्मत दिवस की बधाई। क्या इस लाल रंग में हमलावर मुझे आसानी से निशाना बना लेंगे? लगता तो है। उद्रगोत याहू, याहू, याहू। मुझे तुम्हारे भाई का हिम्मत दिवस कानून पसंद नहीं। मुझे लाल रंग पसंद नहीं, मैं इसमें सुंदर नहीं लगती। देखो, वो कोई भी कानून बनाए मुझे कोई परवाह नहीं, बस वो बनाता रहे। हे, बताओ तुम ये खाओगे या नहीं? वाह क्या बात है, सबको खुश करने के लिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जो चाहूँ। अब मैं और कौन सा बढ़िया कानून बनाऊँ? आहा, पता है मुझे किससे परेशानी होती है? मुझे बिल्ली के बालों से एलर्जी है। मुझे लगता है औरों को भी होगी। हाँ, तो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? और इसीलिए सभी लोग फौरन अपनी बिल्लियों के बाल काट दें। ये राजा डेव का हुक्म है। जब तक पेट के बाल काटे कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, जब तक शांत थी तब तक क्यूट लग रही थी। डेव,
जल्दी बोलो, मैं गाना लिख रहा हूँ। ओ, तुम्हें ये बेकार के कानून बनाना बंद करना होगा। सब तुमसे नाराज है, खास करके बिल्लियाँ। लिखा है म्याऊ। ये धमकी है। पर मैंने चाहा था कि वो मुझे प्यार करे। क्या वो अपने महान और प्यारे राजा के खिलाफ हो गई? मैं उन्हें सजा दूंगा, सर कटेंगे, मौत की सजा सरे आम दी जाएगी, मुर्गा बनाया जाएगा। नहीं, एक अच्छा राजा जानता है कि विरोध को दया से कैसे जीतना है। उन्हें सभ्य बनाकर मैं उनका दिल जीतूंगा। मैं एक ऐसा नियम बनाऊंगा कि मेरा गाना सभी को सुनने आना ही पड़ेगा। ओ पेस्ट्री। ज्यादातर लोग सर कटाने की सजा पसंद करेंगे। खामोश। ओ, राजा ने गाना लिखा है। बहुत ही बढ़िया होगा, बेहतरीन काम होगा। हर नागरिक को आना जरूरी है। अगर हम चले गए तो किले की पहरेदारी कौन करेगा? नहीं, देखो लिखा है हमलावरों का आना भी जरूरी है। वाह, राजा ने हर पहलू को सोचा है। इसी बीच ऊड्रोगोत के बाहर चकल्स द सिली पिगी मौके का फायदा उठाता है। वक्त आ गया है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, गम ही गम बस हर कहीं। फिर भी एक चीज है जो बनाती है इस दुनिया को हसीन। पेस्ट्री, तुम क्यों हो इतनी टेस्टी? तुम ना होती तो क्या होता? ओ पेस्ट्री, तुम जैसी मीठी और कोई नहीं। अब जाओ ना कहीं, बस रहो तुम यहीं। पेस्ट्री पेस्ट्री पेस्ट्री। कोई है? हाँ, मैं फ्रूट केक लाया हूँ। अपना नाम बताइए। द डार्क लॉर्ड चेकर्स, द सिली पिगी। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं ना समझ सिंहासन, मुझे राजा बनाओ, नहीं तो तुम्हें बदसूरत बना दूंगा। ताकतवर राजा की जय हो। जो है द डार्क लॉर्ड चेकर्स, द सिली पिगी। ये राजा है या रानी है? राजा या रानी, क्यों तुम्हें पता नहीं चला? ओह बेचारी पेस्ट्री, क्या भरा है इसमें। राजकुमार के अलावा ये बात कौन जानता होगा, तुम्हारे अंदर है। क्रीम और शुगर खूब सारी, खाने की अब आई बारी। मैं डार्क लॉर्ड चकल द सिली पिगी ऊड्रोगोत के सिंहासन पर बैठा हूँ। अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। नो। और मेरा पहला कानून है गाना वाना नहीं होगा। उसे रुकना होगा। चलो चलते हैं। अभी तक देव के मुकाबले पिगी के कानून बेहतर है। बहुत वो मुझे नहीं हरा सकते, मैं बन गया ताकतवर। बल्ली बल्ली बल्ली, तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं 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 नहीं। ऊड्रोगोत का असली राजा मैं हूँ। हुक्म देता हूँ कि चालाकी मत करो। दरअसल चकल्स, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। सिंहासन की ताकत और तावीज का जादू मेरे पास है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। होशियार। ओके, नए कानून बनाते हैं। पहला, खट्टा मीठा अचार डालना है तो जार में मत डालो, उसे बनाना पड़ेगा बंद डिब्बों में। ये कोई कानून हुआ? बिल्लियों वाले से बेहतर है। ओ यार, बुरे आदमी का कानून भी मेरे कानून जैसा बुरा नहीं। मैं अपनी प्रजा को खुश करना चाहता था, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गए। खुद को मत कोसो देव। थैंक्स फ्रैंक। मुझे करने दो। ऑल राइट पिगी सिली, मैं आ गई हूँ तुम्हारी बुराई खत्म करने। छोटी लड़की, मुझे डर लग रहा है। सिर्फ एक छोटी सी लड़की नहीं, पूरा ऊड्रोगोत। तफरी वाले कपड़ों को लाने वाले को हम आखिरी दम तक बचाएंगे, चाहे हमें उसका बेकार गाना भी सुनना पड़े। घोषणा नहीं कर रहे हो तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्ला कौन रहा है? वो मुझे चाहते हैं। ऊड्रोगोत वासियों, हमला।
जाओ पिगी, क्या तुम कोई आखिरी बात कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे साथियों, मेरा साथ दिया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कुछ कानून मुझे भी पसंद नहीं। मेरा गाना अधूरा रह गया था, मैं आपके सामने अब वो पूरा करना चाहता हूँ। पेस्ट्री पेस्ट्री काफी कड़ी सजा थी। वाह, मैं बहुत लकी हूँ। इतिहास में बहुत से महान बारबेरियन हीरोज हुए हैं। क्रोनकैस द स्मैशर, मोर्टार द रिडिक्यूलर, हे पिज़्ज़ा फेस, शीबोर्ड द स्टैम्पर, वो सबका कचुंबर बना देता था। कचुंबर बन गए क्या? अभी नहीं। इन ताकतवर हीरोज का सम्मान कला के सबसे प्राचीन और खतरनाक रूपों में हुआ। मशहूर बारबेरियन कांच की एक अतिथि छे प्लीज, मैं तो अंगूर की तरह कुचल डालूंगी। 3 रुपए दीजिए। 1 रुपया वापस, क्योंकि तुमने मुझे कुचला नहीं। थैंक्स मिसेस बागमेलन। क्रॉनिक्स द स्मैशर छे, मोर्टार द रिडिकुलर छे, शिबोर्टा अबाबाबा, स्ट्रॉम द स्लेयर। मेरे पास स्ट्रॉम का कार्ड है, उसका नमूना और पोस्टर है, उसका लंच बॉक्स भी है, उसका बोर्ड गेम है, खाने का पूरा सेट है, चमकदार ग्लोब है, उसकी जीवन कथा है, असली कथा है, नकली कथा है, और नया बेहतर सुपर डुपर मंकी वार्मर भी है। यहाँ गर्मी है, यहाँ मैं ही गर्म हूँ। मंकी वार्मर को छूना मना है। मुझे मंकी को छूना है। hey, तुम अभी स्ट्रॉम के ऑटोग्राफ भी ले सकती हो। क्या? आज वो शहर में आ रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने तो नहीं सुना। खलनायक और खलनायिकाओं, डरो डरो, क्योंकि स्टॉर्म द स्लेयर यहाँ आ चुका है। शुरू करो मोना। ना भागो, भागने से फायदा कोई नहीं, हाल ऐसा है तुम्हारा, मानो पेड़ पे मछली। हटो, स्टॉर्म द स्लेयर आया, देखो स्टॉर्म द स्लेयर। कार्ड पर साइन करेगा अगर तुम वहां जाओगी। जल्दी। हाय, मैं ड्रैगन कुमार ने आया हूँ, कैसे हो? हाय, मैं ड्रैगन कुमार ने आया हूँ, कैसे हो? हाय, मैं ड्रैगन कुमार ने आया हूँ, कैसे हो? आखिर फैंक को अपने हीरो से मिलने का मौका मिल ही गया, जिसे वो सालों से पूछती आई है। एक ऐसा मौका जिसका वो फायदा। हाय, मैं ड्रैगन कुमार ने आया हूँ। नहीं उठा। हाय, ड्रैगन कुमार ने आया हूँ, कैसे हो? स्ट्रॉम, यहाँ किसी ने ड्रैगन के बारे में सुना नहीं क्या? लेकिन मैं तो यहाँ ड्रैगन को मारने आया हूँ। लोगों, वो बड़े बालों वाले मॉन्स्टर, दांतों वाले, पंखों वाले, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा हो। क्या यहाँ ऐसा कोई है? यहाँ एक बड़ा बेताल है, उसे क्यों नहीं मार देते? माफ कीजिएगा, क्या मैं चला जाऊँ? माफी, सॉरी, गलती मेरी थी। ये है स्ले द ड्रैगन टूर। इस साल म्यूजिक शोज नहीं कर रहा, अगले साल शायद करूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ड्रैगन को मारना। देव के पास पालतू ड्रैगन है ना? क्या वो बहुत बड़ा जानवर है? उड़ने वाला, और शायद उसकी शक्ल आलू जैसी। ठीक है, मैं शाम तक उसे मार दूंगा। तो ये टी शर्ट किसे चाहिए? बिल्कुल मुफ्त में, लेकिन सर्विस टैक्स 50 ड्रेकल्स लगेगा। मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। यकीन नहीं आ रहा कि वो स्टॉर्म फैफी को मारना चाहता है। नहीं, कि वो मुफ्त में टी शर्ट दे रहा है, इससे उसे कुछ फायदा होगा क्या? परेशानी ये है फैफी, वो स्ट्रॉम बड़ा और ताकतवर है, और वो तुम्हें समझ रहे हो ना, मारना चाहता है। लेकिन घबराओ मत, हम मदद करेंगे। क्यों फैंग? और हमारे हीरोज फैफी को बचाने में जुट जाते हैं। डेव फैफी को बेस बदलने की कला सिखाना चाहता है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, सांस लेना बंद करो। कैंडी उसे मार्शल आर्ट की प्राचीन कला ताइक्वांडो सिखाती है। ताइक्वांडो से लड़ाई तो आती ही है, पर पैरों का शेप भी अच्छा हो जाता है। शुरू। हिया, हिया, हिया।
ऑस्विच जादू चलाते हैं। अफसोस, ये उन्हीं का जादू है। तो स्ट्रॉम को बड़ा ड्रैगन चाहिए। हाँ, मैं उसे बड़ा ड्रैगन दूंगा। आबरा का डाबरा। ओ, काली कलकत्ते वाली। ओ, चिंगा लाला हो। ओ, देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि फैंग भी बेचारे ड्रैगन को मशहूर बारबेरियन हीरो से बचाने की कोशिश करती है। स्ट्रॉम द स्लेयर ने ग्रिफिन्स, बैसिलिस्क और मोंटेकेस को मारा है। उसने इतनों को मार गिराया है कि यकीन करना मुश्किल है। मैं बड़ी होकर उसी की तरह बनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा हीरो हमारे घर आए और देखे कि हमारे पास कितना डरपोक ड्रैगन है। इसलिए तुम छुप जाओ। फैंग का सुझाव सबसे ज्यादा समझदारी वाला था। भेस बदलना छुपने का सबसे अच्छा तरीका है। तुम ठीक तो हो फैफ? इसका मतलब मैं हाँ समझूं? स्ट्रॉम आ गया। मैं कार्ड लेकर आती हूँ। इस बार उससे ऑटोग्राफ लेकर ही रहूंगी। ओके, रेडी। घर में 8-10 लड़कियाँ हैं और सड़क पर शायद 20-30। क्यों? आप कहना चाहते हैं आप कुंवारे हैं? मिस्टर द स्लेयर, प्लीज मुझे स्ट्रॉम कहिए। किताब धुआं उगल रही है। आदत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पाया। आप यहाँ ड्रैगन को मारने आए हैं शायद? हाँ। अफसोस कि मैं उसे मार चुका हूँ। वारी किस्मत। स्ट्रॉम, अजीब छोटू चीज है ये, है ना? छोटू किसे कह रहे हो? ड्रैगन को कह रहा था, तुम्हें नहीं छोटू। छुटकू, अब इंसान। आखिरकार मुझे पहचान लिया। वो मर चुका है, यकीन है पूरी तरह। मैंने अधमरा ड्रैगन कभी नहीं देखा, लेकिन इसको तो हम देख लेंगे। मशहूर सुनहरी तीरी कुलाड़ी, और ये उसके युद्ध का नारा है। कलिम कली। नारा कुछ खास नहीं है, पर कुलाड़ी बहुत बढ़िया है। रुको! क्यों, क्या हुआ? वाह, क्या बात है, मेरा भाई मेरे हीरो से लड़ेगा। मेरा हीरो जो कभी किसी लड़ाई में नहीं हारा और जो उसे यकीनन चकनाचूर कर देगा। स्टॉर्म द स्लेयर को अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लेकिन फैफी, हमारे पालतू ड्रैगन है। ठीक है, तो ड्रैगन के बजाय तुम्हें मारता हूँ। अपनी तलवार खींचो खलनायक। घबराओ मत, तुम इसे हरा सकते हो। सच में? बिल्कुल, अक्ल से काम लो। कलिम गली। हम आपस में बात करें। हम दोनों अच्छे इंसान हैं। मुझे कुल्हाड़ी वगैरह से एलर्जी है। क्या हो रहा है? वही, कोई डेव को मारना चाहता है। मैं उसे रोक दूंगा। क्लेम हिम ब्रेन। क्या आपको अंदाजा है मुझे कितने सारे जूते खरीदने पड़ेंगे? क्या हम किले के दूसरे हिस्से में चले? यहाँ पर छुपने की जगह नहीं बची। कलिम गली। रुको, कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरे स्टॉर्म द स्लेयर मंकी वर्म को, यहाँ तक स्टॉर्म द स्लेयर भी नहीं। अच्छा, अगर लगा दूं तो तुम क्या करोगी? मुझे रोक पाओगी? हाँ हाँ, छुआ 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 छुआ। बस बहुत हो गया, किसी के भी हीरो को उसकी अनमोल चीजें छूने का हक नहीं हो सकता। बस भी करो। देखते हैं, लंबाई, वजन, मनपसंद रंग, पलटो, उसकी कमजोरियाँ। छुआ छुआ। क्या तुम मुझे नहीं मारने वाले? तुमने कभी मंकी को नहीं छुआ होगा, ये एक नशा सा है। स्ट्रॉम, मैं तुम्हें लड़ाई करने की चुनौती देती हूँ। तुम? लेकिन तुम तो बस छोटू सी हो। छोटी हूँ, लेकिन तुम्हारे झबरू दोस्त जितनी छोटी भी नहीं हूँ। मिस्टर स्क्विडजी, हार मान लो, नहीं तो ये भुगतेगा। नहीं नहीं नहीं, मिस्टर स्क्विडजी को मत मारो। वादा करो मेरे मंकी वर्म को नहीं छोगे। वादा। डेव या फैफी को नहीं मारोगे? वादा। बस मुझे मेरा वो प्यारा दोस्त वापस दे दो। मिस्टर स्क्विडजी, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो? कुछ कुछ हीरो के लिए मन में सम्मान तो नहीं रहा। फिर भी फैंग ने पूछा, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ देंगे? फैंग, इतनी छोटू होने के बावजूद तुमने मुझे हरा दिया। फिर मिलेंगे उड्रगोथ के योद्धाओं।
फिर मिलेंगे। और इस तरह फैंक को समझ में आ गया कि सबसे महान हीरो भी हो सकते हैं। ना समझ। हाया। डेव, अभी पता चला है कि स्ट्रॉम ने मशहूर बार्बेरियन गार्ड्स में नए लोगों का नाम जोड़ा है। शायद ये मैं हूँ, मैं हो सकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है? क्रॉनिक द स्मैशर, ची, मार्टर द रिडिकुलर, ची, स्ट्रॉम द स्लेयर, ची, ये तो तुम हो। डेव जो सबसे कायर है, ये तो बिल्कुल ही अच्छी तस्वीर नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं।